आज हमारे साथ गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल उपस्थित है। चलिए उनके पास से जानते हैं कुछ प्रश्न। नितिन भाई, आज आज के आपके द्वारा आपके वृद्ध हस्तों से आवास योजना का भी लोकार्पण किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? गुजरात सरकार ने पिछले कई सालों से गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है और नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के बड़ा प्रधान बने उसके बाद उन्होंने भी केंद्र सरकार में से जो प्रधानमंत्री गृह योजना शुरू की है, इस दोनों योजनाओं को मिला के हमारी गुजरात सरकार के द्वारा सभी महानगर पालिका और सभी नगर पालिका यानी कि गुजरात के सभी शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए और मिडिल क्लास के परिवारों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर मकान बनाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज राजकोट में महानगर पालिका और हमारी गुजरात सरकार के जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड है उसके द्वारा करीबन जो 3350 जितने फ्लैट बने हैं जिसकी कीमत 450 करोड़ से ज़्यादा रुपये की है, उसका आज लोकार्पण किया गया और बड़े पैमाने पर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को ये फ्लैट दिए गए हैं और सभी जगह पर जितनी साइट है उसमें एक जगह पर 5000 लोग एक साथ रहेंगे, एक साइट पर करीबन 3000 लोग एक साथ रहेंगे और अलग अलग साइट पर 2000 से करीब लोग हर एक साइट पर रहेंगे, हर एक टाउनशिप में रहेंगे। तो आज उसका हमने लोकार्पण किया है और गरीबों के लिए मिडिल क्लास के लिए हमारी भारतीय जनता पक्ष की सरकार ने जो वचन दिया था इस वचन को आज हमने पूर्ण किया है।